इंस्टाग्राम अकाउंट परमानेंटली डिलीट कैसे करें, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। सिंपल सा मेथड है, बहुत ध्यान से देखना। आपको अपने अकाउंट पर विजिट करने हैं गाइज। ये मेरा एक एक्स्ट्रा अकाउंट है जिसे मैं परमानेंटली डिलीट करना चाहता हूँ। देन यहाँ पर आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है, सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पर आपको आना है हेल्प में, देन यहाँ पर आपको हेल्प सेंटर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हो, अब गाइज यहाँ पर देखो, एक तो सर्च इंजन आ रहा है, देन एक आ रहा है थ्री डॉट पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करते हो, अब यहां पर आपको मैनेज योर अकाउंट पर क्लिक कर देना है, देन यहां पर आपको डिलीट योर अकाउंट पर क्लिक कर देना है। अब गाइस यहां पर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा जिसको देखकर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। आई थिंक आप में से ज्यादातर लोग एकदम क्लिक करेंगे डिलीट योर इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जबकि यहां से आपका अकाउंट परमानेंटली डिलीट नहीं होगा। गाइस यहां पर आपको लिखा रहा है, देखो ऊपर यहां पर थ्री ऑप्शन है, यहां पर आपको टेम्परेरी डीएक्टिवेट योर इंस्टाग्राम अकाउंट पर क्लिक करना है। अब यहां पर आप यार बोलोगे कि ये तो टेम्परेरी डिलीट होगा, डीएक्टिवेट होगा, तो भाई यहां से मैं आपको परमानेंटली अकाउंट डिलीट करके दिखाऊंगा, ठीक है। अभी तुम कंफ्यूज होगे, यहां पर मेरे को पता है ना, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं ऐसा आपको करना है, देन आपको नीचे की ओर आना है। अगर आप टेम्परेरी डीएक्टिवेट करना चाहते हो तो यहां पर आपको अकाउंट सेंटर पर क्लिक करना होगा, बट हमें ऐसा नहीं करना है, हमें परमानेंटली डिलीट करना है। आपको नीचे आना है, यहां पर आपको डिलीट योर इंस्टाग्राम अकाउंट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करते हो, अब यहां पर लिखा रहा है एंड्रॉइड ऐप हेल्प, सिंपली यहां पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करते हो तो यहां पर आपके सामने काफी ऑप्शन आ जाएंगे, एंड्रॉइड ऐप हेल्प, कंप्यूटर हेल्प, आईफोन ऐप हेल्प, तो यहां पर आपको मोबाइल ब्राउजर हेल्प पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करते हो, अब यहां पर गाइज आपको नीचे की ओर आना है, यहां पर लिखा रहा है टू रिक्वेस्ट द परमानेंट डिलीशन ऑफ योर अकाउंट, सिंपली गाइज यहां पर आपको डिलीट योर अकाउंट पर क्लिक कर देना है। अब आपका अकाउंट जो है वो परमानेंटली डिलीट होगा, ठीक है। तो सिंपल सी गाइज यहां पर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आने वाला है, सिंपल यहां पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहां पर क्लिक करते हो, अब यहां पर गाइज आपको सिलेक्ट करना है क्रिएट ए सेकेंड अकाउंट। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करते हो, अब आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, जिस अकाउंट को आप परमानेंटली डिलीट करना चाहते हो यहां पर लिखा जाएगा डिलीट और उसका यूजर नेम लिखा जाएगा जिस अकाउंट को आप डिलीट करने वाले हो। अब गाइस देखिए, आज के दिन आप देखो क्या डेट है, मेरी जो आज डेट है गाइस यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं, आज है 4 फरवरी। अगर मैं आज इस अकाउंट को डिलीट कर देता हूं तो आज से 30 दिन बाद ये अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। हाँ जी गाइज, आपकी समझ में नहीं आएगा, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। जब यहाँ से आप अपने अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कर देता हूँ तो आज से 30 दिन बाद आपका अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। अगर 30 दिन के अंदर आप अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेते हो तो आपका अकाउंट परमानेंटली डिलीट नहीं होगा। तो यहाँ पर ये एक डेट शो कर देता है आपको, यहाँ पर देखो लिखा रहा है 6 मार्च 2023, तो 6 मार्च 2023 को ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर ये आपको जो डेट दे रहा है, इस डेट को आपका अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। ये 30 दिन बाद की डेट आ रहा है, तो यहाँ पर जो भी डेट आपको ये देगा उस दिन आपका अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी समझ में आ गया अच्छे से। अब यहाँ पर गए देखो, जिस अकाउंट को आप परमानेंटली डिलीट कर रहे हो उसका क्या पासवर्ड है, वो पासवर्ड आप यहाँ पर री एंटर कर दो। तो यहाँ पर मैं पासवर्ड दे देता हूँ, पासवर्ड दे देता हूँ, देन यहाँ पर आपको डिलीट अपना यूजर नेम देख लेना जिस अकाउंट को आप डिलीट कर रहे हो, इस पर आपको क्लिक कर देना है, देन ओके कर देना है। जैसे ही आप ये कर देते हो तो इसका जो प्रोसेसिंग है वो चल जाएगा, प्रोसेसिंग में ये चल गया है, अब आपका अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। आई थिंक आपकी समझ में सब कुछ आ गया होगा। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना है, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दो ऐसी और वीडियो देखने के लिए।